हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें पूरा लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा पैसे इन्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस फंड में इन्वेस्ट करती है और कौन सी कंपनी किस के लिए काम करती है। सो फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर नई नॉलेज है तो आप ले सकते हैं गूगल पर जाके उस कंपनी के बारे में सर्च करके, नहीं तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप उसमें इन्फॉर्मेशन देने की पूरा कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया हूँ जो है ग्रो का, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रो का डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद से जस्ट इसका सिंपल सा इंटरफेस पे आपको आ जाना है और जस्ट आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ जाना है। तो गाइस, यहाँ पे आपको ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा पॉपुलर फंड्स में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो गया, यहाँ पे पराग पारी का म्यूचुअल फंड हो गया, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो गया, और भी मतलब बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कलेक्शन में आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ना हाई रिटर्न में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 साल में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज कैप में भी देखने को मिल जाएगा, लार्ज कैप की मतलब कि जिसका फंड साइज ज़्यादा हो और वो बड़ी कंपनी हो, ठीक है, तो उसका भी आपको 3 साल का रिटर्न यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, आप इसको ना लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नहीं बड़ी नहीं छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो आप लोग के लिए मिड कैप सही रहेगा। इसमें अगर आपको प्रॉफिट होगा तो थोड़ा होगा और लॉस भी होगा तो थोड़ा होगा। और यहाँ पे लार्ज कैप में ये है कि आपको अगर मार्केट गिरती है तो आपको ज़्यादा लॉस होता है, अगर बढ़ती है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना पर्टिकुलर किसी और भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो आप लोग को जस्ट यहाँ पे ना सर्च के बार पे आके आपको यहाँ पे सर्च करना है। सपोज मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्टो का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए इन्वेस्टो इंडिया PSU। तो आपको मतलब ये देख लें कि मैं अपना यहाँ पे ना अपना वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रखता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ना आपको लाइव इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, बस आपको एग्जांपल के लिए। तो आप लोग को ना इसमें देख लेना है इसका जो रिटर्न है कितना हाई है, मतलब 6 महीने में ये 42.46% का रिटर्न दिया है, 1 साल में ये 97.89 का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपके पास 1 साल पहले 1 लाख रुपये हैं और अब तक वो आपके जो 1 लाख है वो समथिंग 1,98,000 हो जाते, ठीक है, अगर आप लोग इन्वेस्ट किए रहते। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो रिटर्न है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लोग जैसे इसका जो कैलकुलेटर है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप वन टाइप में अगर आप इसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के रिटर्न के भाव से आप लोग देखिए यहाँ पर 97% यानी कि 39.578 का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो आप लोग ऐसे अपना रिटर्न कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ इसमें वन टाइम पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो जस्ट आपको ना इसमें देखने को मिला आप मिनिमम कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसका SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बस एक बार में ही पैसे इन्वेस्ट करूँ, तो बस आपको वन टाइम पर क्लिक करके वन टाइम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सपोज मैं अभी आपको दिखाने के लिए 1,000 रुपये डाल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इन फ्यूचर इसको बढ़ा सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नीचे आपका जो भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड करेंगे आपको उसी बैंक से इसमें पैसे ऐड करने हैं। और गाइस, मैं आपको ये खास करके बता दूँ, आपको ना ग्रो ऐप में पैसे डिपॉजिट नहीं करने, आपको अपने बैंक अकाउंट में ही पैसे रहने देने हैं, ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे इसमें डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देने वाला जस्ट आपको इन्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका मोबाइल पे चाहे आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लेगा, देखिए। और यहाँ पे तो बताएगा कि मेरे अकाउंट से पैसे अभी डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर यहाँ अपना अपना बैंक का पिन कोड यहाँ पर डाल दिया हूँ, ठीक है। जस्ट आप लोग देखते रहिए, मैं पूरा आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली होगा, मैं अब इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद से ये देखिए मेरा जो 1,000 रुपये है इन्वेस्ट को अब वो अभी इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे
कंप्लीशन बाय 8 जुलाई, मतलब कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 2 से 3 दिन के अंदर ये मेरा जो है प्रोसेस में है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो ये मेरा जो भी पैसे जो डैशबोर्ड में यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। अभी आपको दिखा दूँ मैसेज में, ये मेरा देखिए यहाँ पे मैसेज मेरा आ गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय लगता है, और मैं आपको और डिटेल में और भी दिखा दूँ। यहाँ पे ये मेरे बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से मेरा 1000 रुपये यहाँ पे डिडक्ट हो गया है, और यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इसको सेल करने के लिए, तो इसको आप जैसे ही अपने डैशबोर्ड में आ जाएगा तो उसको जस्ट उसी भाव पे, चाहे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल गया है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो बस इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं ज़्यादा, ताकि आप लोगों का फ्यूचर जो सिक्योर रहे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।